नहीं रहे हमारे बीच में हमारे देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी। हाल ही में मुंबई शहर से एक खबर आई कि एक अस्पताल में रतन टाटा जी का निधन हुआ है। पूरे देश में रतन टाटा जी के लिए गम का माहौल बन चुका है। सोशल मीडिया में हर प्लेटफार्म पर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे ये तो मालूम होता है कि देश के लोग रतन टाटा को कितना प्यार करते थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, क्योंकि रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे वो अपने देश और देशवासियों से काफ़ी प्यार करते थे। रतन टाटा द्वारा देश में कई अस्पतालों का इजाद किया गया है, जिनमें लाखों लोग उस अस्पतालों में अपना इलाज करके फ़ायदा लेते हैं और रतन टाटा जी को दुआ करते हैं। रतन टाटा जी एक ऐसी शख्सियत है जो हजारों सालों में एक बार ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हिंदुस्तान में रतन टाटा जी था, जिन्हें आज भी देश के लोग ईश्वर की तरह पूछते हैं। आज ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ है, आज पूरे देश में गम का माहौल है। हम ऐसे शख्सियत को नमन करते हैं, ऐसे शख्सियत जो हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं। आज रतन टाटा ने जो देश के युवाओं में देश के लोगों में अपनी जो जगह बनाई है, देश के सभी लोग ईश्वर से यही कामना करेंगे कि रतन टाटा जी को अपने दिल में अपने पास उन्हें जगह दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम दिलो जान से प्यार करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग कभी मरते नहीं है, ऐसे लोग हमेशा अमर होते हैं, जिन्हें हजारों वर्ष तक शहर की जनता देश उन्हें हमेशा याद करता है और उन्हें नमन करता है। हम ईश्वर से यही आरजू करेंगे कि रतन टाटा जी की आत्मा को शांति अवश्य दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाखों लोगों की हमेशा जान बचाई है, देश के रक्षा के लिए हमेशा वो आगे आए हैं, ऐसे शख्सियत को हम बार बार एक बार फिर नमन करते हैं। धन्यवाद।